સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા બાદ આજે પ્રથમ વખત શબરીમાલા મંદિર ખુલ્લું થવા જઈ રહ્યું છે. સુપ્રીમ કોર્ટે પૂજાની મંજૂરી આપ્યા બાદ આજે મહિલાઓ પૂજા માટે પહોંચે તેવી પણ શક્યતાઓ છે. તો બીજી બાજુ સેંકડોની સંખ્યામાં અયપ્પા ભક્ત મહિલાઓને મંદિરથી 20 કિલોમીટર દૂર નાકાબંધી કરી દીધી છે અને મહિલાઓને મંદિર સુધી પહોંચતા રોકવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે અયપ્પા ભક્તોને રોકવા માટે પોલીસ પણ નિષ્ફળ જઈ રહી છે, જેને પગલે મોટી સંખ્યામાં પોલીસની ટીમ પણ તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે. મહત્વનું છે કે 5 દિવસની માસિક પૂજા બાદ 22 ઓક્ટોબરે સબરીમાલા મંદિર બંધ કરી દેવામાં આવશે. सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद आज शबरीमाला के द्वार जो है वो सभी एज की महिलाओं को खुले होने वाले हैं और इसका जो है वो स्वागत सभी ने करना चाहिए. लेकिन आप अगर वहाँ की सिचुएशन देखेंगे तो वॉयलेंस है, जो विरोध हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है. कहीं बस रोकी जा रही है, कहीं पे जो है वो महिलाओं को जो है वो धमकियाँ दी जा रही है कि हम आपको काट देंगे, वह महिलाएँ अगर आई तो हम जो है वो सुसाइड कर देंगे, या फिर कोई वहां के प्रीस्ट और कई लोग बोल रहे हैं कि आप अगर आए तो हमारे सीने के ऊपर जो है वो पाव रखकर आपको जाना पड़ेगा. तो ये कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. इन्होंने जो प्रोटेस्ट करना है, इनको जो विरोध करना है, इन्होंने गांधीगिरी मार्ग से विरोध करना चाहिए. और जो महिलाएं वहां पे जाने वाली है, जो ग्रुप वहां पे महिलाओं के जाएंगे, तो उनका विरोध करें लेकिन वो गांधीगिरी मार्ग से होना चाहिए. और वहां पे अगर कुछ गलत होता है या फिर वायलेंस होता है तो इसमें बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो भी विरोध कर रहे हैं, हमें लगता है उनके ऊपर जो है वो कंप्लेंट दर्ज होनी चाहिए.